नमस्कार, ग्रह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का। इससे पहले के वीडियो में जैसा कि हमने चर्चा करी थी, गर्भावस्था में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन हैं, कुछ परिवर्तनों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जैसे गर्भवती स्त्री के वजन में वृद्धि होती है, क्यों होती है, क्या इसके कारण हैं, इन सब की चर्चा हमने की थी। उपापचयात्मक परिवर्तन या मेटाबॉलिक चेंजेस जो बॉडी में देखे जाते हैं, इसी के साथ पाचन क्रिया में परिवर्तन होता है, मूत्र उत्सर्जी संस्थान में परिवर्तन होता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण में क्या परिवर्तन होते हैं। तो इस अवस्था में जो गर्भवती स्त्री है, उसकी रक्त का जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, वो इंक्रीज़ हो जाता है और ये लगभग सामान्य स्थिति से 30% तक बढ़ जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण, यह भी एक कारण है जिसकी वजह से गर्भवती माता का वजन में वृद्धि होती है। और ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होता है तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है। तो इस अवस्था में जो हीमोग्लोबिन लेवल है, अगर वो 11 से लेकर 13 के बीच में रहता है गर्भवती महिला का, तो वो सामान्य माना जाता है। और अगर सामान्य महिला का जो हीमोग्लोबिन लेवल है, वो 12 से लेकर 14 ग्राम पर 100 ml नॉर्मल माना जाता है। तो गर्भवती माता का हीमोग्लोबिन लेवल अगर 11 से कम आता है, तो वो उस स्थिति में वो रक्त अल्पता से पीड़ित हो जाती है। इसी के साथ गर्भावस्था में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर ये बढ़ जाता है तो पहले प्री एक्लेम्शिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अगर यह जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर ब्लड प्रेशर लगभग 200/110 मिलीमीटर HG के आसपास तक बढ़ जाता है, तो ये एक्लेम्शिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस स्थिति में जो गर्भवती महिला है, उसे फिट्स आने लग जाते हैं और वो बेहोश भी हो सकती है। तो यह स्थिति गर्भवती महिला एवं उसके गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए हानिकारक होती है। इस अवस्था में वेरिकोज वेन की समस्याएं भी देखी जाती हैं, नाड़ी गति में वृद्धि भी हो जाती है गर्भवती माता की। तो इस अवस्था में गर्भवती माता को विशेष ध्यान रखना होता है, खान पान का उसे विशेष ध्यान रखना होता है और अपनी जो दैनिक गतिविधियां हैं उन पर भी उसे विशेष ध्यान रखना होता है, ताकि ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो अन्य परिवर्तन देखे जाते हैं, श्वसन संबंधी परिवर्तन। गर्भावस्था के अंदर जो गर्भवती माता है, उसका प्रसव का समय जैसे जैसे नज़दीक आने लग जाता है, श्वसन क्रिया में एक उथलापन आने लग जाता है, जिसको हम शैलो ब्रीथिंग कहते हैं। तो इस अवस्था में जो गर्भवती माता है, वो अगर उसकी जो सांस है वो चढ़ने लग जाती है, अगर वो ज़्यादा काम करती हैं, तेज चलती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, तो वो हाँफने लग जाती हैं और उसकी जो सांस है वो तेज चलने लग जाती है। इसके भी कई कारण होते हैं, जैसे कि इस टाइम पर जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, उसका प्रभाव श्वसन क्रिया पर पड़ता है और इसकी वजह से जो है उसमें शैलो ब्रीथिंग वाली प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाती है। दूसरा परिवर्तन हम पढ़ते हैं हार्मोन्स में। गर्भावस्था में हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर बहुत होते हैं फीमेल्स में। इस टाइम पर जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसे ACTH हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, वह हार्मोन और थायरोट्रॉफिक हार्मोन की जो क्रियाशीलता है वह बढ़ जाती है। इसी के साथ एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन, ये भी अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं। इन सब हार्मोन्स की वजह से कई परिवर्तन गर्भवती माता के शरीर में देखे जाते हैं। जैसे इन सब का इफ़ेक्ट होता है, इनसे पेशियाँ जो होती हैं उनमें खिंचाव होता है और उसकी वजह से जो स्किन है उस पर इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, उस पर धारियाँ सी बनने लग जाती हैं। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इस अवस्था में वो भी अधिक मात्रा में स्रावित होता है और इस हार्मोन की वजह से शैलो ब्रीथिंग वाली प्रॉब्लम जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें देखी जाती है।
इसके अतिरिक्त परिवर्तन देखे जाते हैं नाड़ी संस्थान में परिवर्तन। तो नाड़ी संस्थान में अगर परिवर्तन होते हैं तो इसकी वजह से जो गर्भवती माता है उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे उसको नींद कम आने लग जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, एक आलसीपन उसके व्यवहार में दिखाई देने लग जाता है। और इस समय जो गर्भवती माता है उसे रेस्ट की या आराम की अधिक आवश्यकता होती है। और इस यह जो अवस्था है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी इसके इस चर्चा करी कि यह अवस्था एक सामान्य अवस्था नहीं है, यह एक विशेष शारीरिक अवस्था है स्त्री के जीवन की। तो इस समय उसमें थोड़ा सा मानसिक तनाव, भय, चिंता, सिरदर्द आदि की समस्याएं भी उसमें देखने को मिलती हैं। और इस अवस्था में जो गर्भवती महिला है उसको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा निकलता है, प्यास ज़्यादा उसको लगने लग जाती है, बार बार मूत्र को त्यागने की इच्छा होती है, क्योंकि इस जो हमने पहले पढ़ा था मूत्र संस्थान में भी परिवर्तन आते हैं। तो इन सब का मिला जुला जो असर दिखाई देता है कि गर्भवती माता स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए गर्भवती माता को कुछ अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, गीता रामायण का अध्ययन करना चाहिए इस अवस्था में, ताकि वो अपने मानसिक तनाव, चिंता, भय आदि को कुछ हद तक कम कर सके। इसके अतिरिक्त जो परिवर्तन और देखे जाते हैं, जैसे त्वचा में होने वाला परिवर्तन, तो त्वचा में जो परिवर्तन होते हैं इसमें त्वचा में जो रक्त में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक होता है जो कलर को इफ़ेक्ट करता है, स्किन के कलर को इफ़ेक्ट करता है। तो इस स्टेज में जो गर्भवती माता है उसकी जो स्किन में है उसमें स्किन क्योंकि खिंचती है, जब गर्भाशय का आकार बढ़ता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो स्किन खिंचती है और वहाँ पर धारियाँ सी बनने लग जाती हैं। और यह धारियाँ एब्डोमिनल एरिया में और थाइज़ के एरिया में ज़्यादा दिखाई देती हैं। और इन्हें इन जो धारियाँ बनती हैं इन्हें स्ट्रेच मार्क्स बोला जाता है। कई बारी जब डिलीवरी होती है उसके कुछ समय पश्चात ये स्ट्रेच मार्क्स ठीक हो जाते हैं, परंतु बहुत सी महिलाएं हैं जिनमें ये स्ट्रेच मार्क्स आगे भी बने रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये देखने में थोड़े भद्दे से दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जो गर्भवती माता है उसके जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है वो उसका जो एरिया आसपास का एरिया है वो भी थोड़ा डार्कर शेड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सब चेंजेस जो होते हैं ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से होते हैं। इसके बाद जो परिवर्तन देखे जाते हैं, जैसे स्तन में परिवर्तन, गर्भावस्था में जब स्त्री होती है तो उस समय उसके जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। और ब्रेस्ट का, जैसे हमने पहले कहा कि ब्रेस्ट का जो निप्पल वाला पार्ट है वो भी थोड़ा डार्कर शेड में होने लग जाता है। और ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होने का जो कारण होता है वो ये होता है कि जो नीचे ब्रेस्ट में के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो बढ़ने लग जाती हैं और वो प्रिपेयर होने लग जाती हैं ताकि प्रसव के बाद जो नवजात शिशु है उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो जाएं, इसके लिए ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार यह जो परिवर्तन है ये गर्भवती माता के शरीर में देखे जाते हैं। और इन परिवर्तनों के साथ ही उन्हें एडजस्टमेंट बिठाना होता है। तो इस प्रकार यह शारीरिक परिवर्तन यहीं समाप्त होते हैं। इसके अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि गर्भवती माता को किन किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।